स्वागत है नया इंडिया टीवी के आज प्रोग्राम के पार्ट दो में। इसमें पर्दे के पीछे की बातों, राजनीति को बताने वाली गपशप है तो हल्ला प्राप्त मुद्दे का, मसले का खुलासा भी। सो सुने और पाएं बेबाक बेधड़क जानकारी, वह सोचें कि क्या सही है और क्या गलत। पहले सुने आज की गपशप। एक साथ तीन तलाक बोलने को अपराध बनाने वाला विधेयक अभी टला हुआ है। अगर सरकार सबको चौंकाने के अंदाज में इसे राज्यसभा में पेश करे तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल इस हफ्ते के कामकाज की सूची से यह बिल बाहर है। बताया जा रहा है कि सरकार सत्र की कार्यवाही के एक हफ्ते इसलिए बढ़ाना चाह रही है ताकि आखिरी हफ्ते में तीन तलाक बिल को पास कराया जा सके। पिछले हफ्ते शुक्रवार को संसदीय कार्य मंत्री की ओर से कार्य मंत्रणा समिति में कामकाज की जो सूची दी गई उसमें तीन तलाक बिल का जिक्र नहीं है। ध्यान रहे सरकार इसे लोकसभा से पास करा चुकी है। सत्र शुरू होते ही सरकार ने सबसे पहले इसी बिल को लोकसभा से पास कराया था। तब माना जा रहा था कि सरकार जल्दी ही इसे राज्यसभा में पेश करेगी, पर अभी तक इसे पेश नहीं किया गया है। विपक्ष इसे पेश करने के समय ही पेश करने की अनुमति के लिए वोटिंग की मांग कर सकता है, और अगर सदन में पेश करने की अनुमति नहीं मिली तो सरकार की बड़ी किरकिरी होगी। गौरतलब है कि सरकार की समर्थक पार्टियां भी इसका विरोध कर रही हैं। जनता दल यू और संभवतः अन्ना डीएमके का समर्थन सरकार को इस बिल पर नहीं मिलेगा। दूसरे समूचा विपक्ष इस बिल के विरोध में एकजुट हो जाएगा। भाजपा ने इधर से उधर जो 6-7 राज्यसभा सांसद जुटाए हैं उनसे काम नहीं चलने वाला है, तभी इस बिल को फिलहाल टाला जा रहा है। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी क्या इन दिनों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं? पिछले दिनों एयर इंडिया के विनिवेश के लिए बनी समिति का पुनर्गठन किया गया तो उसमें उनको नहीं रखा गया। अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली इस मंत्री समिति में अब जेटली की जगह अमित शाह अध्यक्ष हो गए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की पिछली सरकार में सबसे प्रभावी मंत्री के तौर पर उभरे गडकरी को उनका पुराना मंत्रालय तो मिल गया है, पर उनके मंत्रालय को अपने काम के लिए खुद ही फंड जुटाना पड़ रहा है। इस बीच खबर है कि वे महाराष्ट्र में प्रदेश भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक में शामिल नहीं हुए। चुनाव तैयारियों के लिए बैठक बुलाई गई थी और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा पहली बार मुंबई गए थे, पर गडकरी इस बैठक में शामिल नहीं हुए, वे नागपुर में थे। ध्यान रहे महाराष्ट्र में अगले 2 महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बहरहाल महाराष्ट्र सरकार में वरिष्ठ मंत्री पंकजा मुंडे भी इसमें शामिल नहीं हुई क्योंकि वे विदेश में हैं। प्रदेश के एक और बड़े नेता विनोद मुंगतिवार बैठक के पहले सत्र में शामिल नहीं हुए थे, पर बाद में उन्होंने बैठक में हिस्सा लिया। नई लोकसभा बने हुए करीब 2 महीने हो गए हैं और नई लोकसभा के साथ संसद का पहला सत्र भी 1 महीने से ज्यादा समय से चल रहा है, पर अभी तक संसदीय समितियों का गठन नहीं किया गया है। ऐसा लग रहा है कि सरकार और विपक्ष में किसी को भी इस बात की चिंता नहीं है। तभी राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने पिछले हफ्ते विपक्षी पार्टियों से नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्होंने अभी तक संसदीय समितियों के लिए नाम नहीं दिए हैं। दूसरी ओर नए सांसदों में संसद की स्थायी समितियों का सदस्य बनने की बेचैनी दिख रही है। वे अपनी पसंद बता रहे हैं कि उन्हें किस समिति में रखा जाए। संसदीय समितियों का गठन नहीं होने की वजह से बजट प्रावधानों को ऐसे ही पास कराना पड़ा। जब संसदीय समितियां अस्तित्व में रहती हैं तो हर मंत्रालय के बजट प्रावधान को उस मंत्रालय की समिति के पास भेजा जाता है, पर इस बार संसदीय समितियां नहीं हैं और बजट सत्र भी 2 हिस्सों में नहीं हो रहा है। इसी वजह से बिना समितियों की रिपोर्ट के ही बजट पास कराया गया है। अब चूंकि संसद सत्र का आखिरी चरण आ गया है और अगर सत्र की अवधि नहीं बढ़ाई जाती है तो 26 जुलाई को सत्र का समापन हो जाएगा, इसलिए कहा जा रहा है कि सत्र खत्म होने के बाद ही संसदीय समितियों का गठन होगा। आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि नया इंडिया टीवी की इस चैनल पर एपिसोड इमेज के नीचे लाल पट्टी में लिखे सब्सक्राइबर बटन को ज़रूर दबाएं। वहाँ जो घंटी है उसे भी दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले।